हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर दिनेश। आज आप लोगों को इरेगुलर पीरियड अनियमित मासिक धर्म उसको कहते हैं हिंदी में, उसका 5 होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताए हैं। और इरेगुलर पीरियड किसको कहें, कितने दिनों के बाद होता है, और रेगुलर पीरियड किसे कहेंगे, ये भी आप लोगों को बताए हैं। क्योंकि केवल में इरेगुलर पीरियड एक बहुत ही भारी प्रॉब्लम है। इरेगुलर पीरियड का हो जाना बहुत सारे प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है। तो इरेगुलर पीरियड आप किसको कहें? अगर आपका 20 तारीख को डेट है और उसके 28 दिन के बाद जो फिर आपको पीरियड आ रहा है उसे नॉर्मल कहें, 1 दिन पहले या 1 दिन बाद वो कोई मायने नहीं रखता है, उसे तो नियमित कहें। और अनियमित मासिक धर्म उसे कहें जो पीरियड के 10वें दिन हो जाए, 15वें दिन हो जाए और बहुत ज़्यादा क्रैम्प के साथ, उसे हम इरेगुलर पीरियड कहें, या 1.5 महीना के बाद हो जाए। तो ये तो आप जान गए। अब इरेगुलर पीरियड का होम्योपैथिक में बहुत ही बेटर मेडिसिन है, तो 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जो बहुत ही बेटर वर्क करती है। जैसे फर्स्ट मेडिसिन है आपका सीपिया। तो सीपिया जो है इरेगुलर पीरियड में बहुत ही बेटर वर्क करती है। अगर आपका पीरियड जो है वो कुछ डिस्टर्ब हो तो उसमें सीपिया बहुत ही बेटर काम करते हैं। दूसरा चीज है, सीपिया के पेशेंट चिड़चिड़ा स्वभाव के होंगे, तो सीपिया उस पेशेंट को, इरेगुलर वाले पेशेंट को बहुत ही बेटर वर्क करते हैं। उसके बाद आ जाता है दूसरी मेडिसिन पल्सेटिला। पल्सेटिला का जो पेशेंट है वो शांत स्वभाव का होगा। अगर उसे जो पीरियड है वो 1.5 महीना के बाद हो या 10वें दिन हो जाए, वो लोग को पल्सेटिला दवाई बहुत ही 100% सिम्टम भी देख लेना होता है पहले, तो पल्सेटिला काम कर देगी। तीसरा काम करता है एक मदर टिंचर होम्योपैथिक मेडिसिन है, ओब्रोमा रेडिक्स क्यूब पावर में। इसे आप 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम में पानी, ताजा पानी के साथ बहुत ही बेटर काम करेगा। उसके बाद एक और दवाई है बायोकेमिक में, 15 नंबर की गोली आती है, उसे भी आप 4-4 गोली 3 बार लें तो बहुत ही बेटर काम करती है। अब जो है किसी किसी को एक जेनेटिकल प्रॉब्लम होता है इरेगुलर पीरियड, तो उसमें थूजा भी बहुत बेटर काम करती है। तो आज हम इरेगुलर पीरियड के 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बताती है। मेडिसिन लेने से पहले सारा सिम्टम को नोट कीजिएगा, तभी मेडिसिन लेना चाहिए। और मेडिसिन लें अगर तो ठीक है, नहीं तो नजदीकी फिजिशियन जा करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।